दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपको वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो आपके मन में सवाल होगा कि अप्रैल, मई और जून की पेंशन का पैसा कब आपको मिलेगा। इसके साथ साथ यहां पर पेंशन में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, पेंशन का पैसा बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया और पेंशन का पैसा आपको कब मिलेगा, सारी जानकारी आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं है, अभी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई। आपको YouTube पर कई सारे वीडियोस भी मिल रहे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि 4500 मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको पेंशन का पैसा मिलेगा, यानी कि अप्रैल, मई और जून की किस्त जो है ना वह 3000 रुपये मिलेगी। अगर आपकी पिछली किस्त रुकी हुई है या पिछले महीने का पैसा नहीं मिला है तो आपको इस महीने में बढ़ करके पैसा मिलेगा। जैसे कि पिछले एक महीने का नहीं मिला है आपको, यहाँ पर मार्च का नहीं मिला है, तो आपको यहाँ पर अप्रैल, मई और जून और मार्च चार महीने का पैसा मिलेगा 4000 रुपये। इसी तरीके से अगर आपको पिछली पूरी किस्त नहीं मिली है तो 6000 रुपये मिलेगा। जितना भी आपका पिछला बाकी होगा उतना जो ना आपको इस महीने में इस किस्त में जुड़ करके आपको मिलेगा। 6000-9000 अगर पूरा एक साल का बाकी है, चार किस्तें बाकी हैं, तो 12000 भी आपको एक साथ पूरा पैसा मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि पेंशन आपको कब मिलेगी। तो देखिए, पेंशन आपको जून के अंतिम सप्ताह में मिल सकती है अगर आपकी दिव्यांग पेंशन है, और दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन है तो आपको जून के अंतिम सप्ताह में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको पेंशन मिल सकती है। बात करें वृद्धावस्था पेंशन की, तो वृद्धावस्था पेंशन सभी जनपदों में 1 जुलाई को सभी जनपदों में ट्रांसफ़र की जाएगी, सभी जनपदों में भेजी जाएगी। ये जो ना समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका विज्ञापन, इसका जो ना कार्यक्रम पूरे वित्तीय वर्ष का यहाँ पर जारी किया गया है, उसके अनुसार यहाँ पर 1 जुलाई को सभी जनपदों में पेंशन का पैसा, यहाँ पर वृद्धा पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे वित्तीय वर्ष का कैलेंडर उसमें दिया गया है कि किस किस डेट में क्या क्या होना है, तो उसके अनुसार वृद्धा पेंशन का पैसा 1 जुलाई को, और हो सकता है इससे पहले आपको दिव्यांग और विधवा का पेंशन का पैसा मिल जाए जून के अंतिम सप्ताह में, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको पेंशन का पैसा मिल सकता है। अब जी, कुछ लोगों को यहाँ पर पीएफएमएस पर डाटा पेंडिंग था, वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग था, तो उनका भी एक्सेप्टेड होना शुरू हो गया है। अगर आपका अकाउंट रीवेरिफिकेशन पेंडिंग दिख रहा था तो उनका भी यहाँ पर अकाउंट रीवेरिफिकेशन होना शुरू हो गया है। 25 को ही यहाँ पर वेरीफाई हुआ है, कई सारे लोगों को 25 मई को वेरीफाई हुआ है, तो शुरू हो गया। अगर आपका पेंडिंग दिख रहा है तो इंतज़ार कर लें, जून के महीने में ही आपका यहाँ पर वेरीफाई कर दिया जाएगा। पेंशन आने से पहले सभी का यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑफिस के चक्कर लगाने हैं, ऑटोमेटिक ही जो ना वेरीफाई हो जाएगा। इंतज़ार, पेंशन से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू रोचि।